नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन गिरावट के साथ खुले शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। एशियाई बाजारों से मिले सख्त रुख का असर घरेलू शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 9.52 अंक की गिरावट के साथ 35,612 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी 4.10 अंक की तेजी के साथ 10,821 पर कारोबार कर रहा था। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकों के समूह को 6,027 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले में माल्या और उसकी कंपनियों के खिलाफ जल्द ही नया आरोप पत्र दायर करने वाली है। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। पंजाब नेशनल बैंक का जानबूझ कर कर्ज न चुकाने वाले बड़े कर्जदारों पर बकाया मई अंत तक बढ़कर 15,490 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यह इससे पिछले महीने की तुलना में 2% अधिक है। इसमें वे कर्जदार शामिल है जिन पर बैंक का बकाया 25 लाख रुपए या उससे अधिक का है। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में आए दिन होने वाले रेल और सड़क हादसों में घायल हुए यात्रियों की पहचान करने के मकसद से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सकों ने एक मोबाइल ऐप हेल्प मी डियर विकसित किया है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में घायल या जहर खुरानी के शिकार लोगों की पहचान इस ऐप की मदद से आसानी से की जा सकेगी। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने रविवार को असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ रविवार को नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च किया। क्षेत्र के पहले स्मॉल बैंक की शुरुआत 28 शाखाओं के साथ की गई है। टाटा ने इस मौके पर कहा कि अगर देश को तेज गति से विकास करना है तो हमें अवसर पैदा करने होंगे और उद्यमिता को बढ़ावा देना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में तैयार बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर पंखे एंड लाइटिंग ल्यूमिनरीज हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज एल मोनार्ड के फैंस पेडिस्टल फैंस एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज जेनाविन सेल्स नियर भारत टॉकीज फर्स्ट फ्लोर हमीदिया रोड भोपाल